What's up everybody, welcome back to my channel. भाई अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अभी चल के बताता हूँ आपको कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. अभी जल्दी से चलते हैं. वैसे ये वाले अलॉयज ठीक हैं. मैं ज़्यादातर गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाता नहीं हूँ अपने व्लॉग्स में, क्योंकि अलग टाइप के व्लॉग्स बना रहा हूँ. आप कमेंट करके बताओ अगर आपको गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखनी है. ज़्यादातर गाड़ी से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे. यार बारिश भी होने लगी आजकल यार, वेदर इतना ज़्यादा. मैंने कहा यार अप्रैल स्टार्ट होने को है और यार गर्मी तो गर्मी का नाम ही नहीं ले रही गर्मी आने का. बारिश इतनी तगड़ी हो रही है ना भाई, वो तो सही है. चलो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई वरना हम शूट नहीं कर पाते. और हम अभी आ रखे हैं यार बीटेक पानीपुरी वाले पे आ रखा हूँ मैं यार. ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है अभी बीटेक पानीपुरी वाले. उनकी पानीपुरी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि लोगों का रिव्यू मैंने देखा है. और अभी मैं हूँ यार तिलक नगर, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ. अभी देखते हैं यार इनसे बात करते हैं. बीटेक आजकल ना बहुत ज़्यादा लोग ये चला रहे हैं कि प्रोफेशन के ऊपर नाम रख रहे हैं ज़्यादातर. बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, सीए हो गया, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई. अब देखते हैं बीटेक पानीपुरी वाले की. हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुप्ता है. कितने टाइम से आप ये कर रहे हो अभी पानीपुरी का? 2 महीने हो गए यहाँ पे. अच्छा, दूसरी मैम है ना वो जो मतलब वीडियोस में आती हैं, वैसे वो वाली मैम अभी अवेलेबल नहीं है. वो उनसे बात करी मैंने कि वो यहाँ पे है ही नहीं दिल्ली में, तो यार अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी. लेकिन उनकी जो उनका कार्ट यहाँ पे संभाल रही है, जो उनका मेन कार्ट है. तो आपकी पानीपुरी में क्या खास बात होती है? पहली बात तो ये है कि ये एयर फ्राइड है, तेल में. अच्छा, एयर फ्राइड है. और दूसरी बात ये है कि पानी हम आरओ वाटर से बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन में रोस्ट होकर बनता है ये. अच्छा. और जो चटनी हमारी रेड वाली, वो गुड़ खजूर और इमली से बनती है. अच्छा अच्छा. हाँ. दिखाना आपके इंग्रेडिएंट सारे कैसे कैसे हैं देखने में. तो भाई पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, ग्लव्स पहन के अच्छे से. जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी चल रहे हैं, कोरोना गया इतने सारे आजकल, तो यार हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो हाइजीन प्रोवाइड करेगा ना भाई मार्केट में, तो वही चलेगा मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. तो ये आपका पानी, ये कैसा वाला पानी, तीखा वाला, मीठा वाला, या एक ही पानी होता है आपका? पानी एक ही हमारे पास. अच्छा, तो जैसे किसी को तीखा चाहिए मीठा चाहिए तो उसमें क्या ऐड करते हैं? मीठा चाहिए तो ये है सॉल्ट. अच्छा, सॉल्ट ऐड कर देते हैं ज़्यादा. मीठा चाहिए तो? अच्छा अच्छा, सॉल्ट. अच्छा अच्छा, ओके ओके. और इसमें क्या है? इसमें भी वही चीज़ है, सेम. अच्छा सेम चीज़ है. अच्छा अच्छा, और क्या क्या है आपके? अच्छा आलू. अच्छा, मसाले वाला आलू नहीं है या मसाला अलग से डालते हैं? सिंपल आलू. अच्छा अच्छा, और इसमें क्या है? इसमें भी आलू ही है. अच्छा आलू आलू आलू. और आपके मतलब सूजी के जैसे लोग खाते हैं सूजी या आटे के, तो आपके कैसे हैं? सूजी मिक्स है. अच्छा आटा सूजी मिक्स. सही है सही है, देखने में भी मतलब एक्यूरेट शेप है इनकी. और इसमें क्या क्या खास बात है? एयर फ्राइड हो गए. पानी हमने आरओ वाटर से बनाया है, हाइजीनिक तरीके से हम बनाते हैं और हाइजीन तरीके से हम सर्व करते हैं. और इसमें ये क्या है कि मतलब जैसे मैंने स्टाफ देखा जगहों पर लड़कियों को ही रख रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नाम भी है बीटेक पानीपुरी वाली. अच्छा वाली. और अच्छा बाकी तो ओनर को ही पता होगा लड़कियाँ. अच्छा, इसलिए भी ताकि लड़कियां जो मतलब जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो लोग भी खुद का कुछ कर सके, मतलब अपने लिए. ये भी जैसे कि मैं यहाँ पे आई. अच्छा. तो और भी लड़कियां आना चाहती होंगी, काम करना चाहती होंगी तो आ सकती हैं. अच्छा, इसलिए भी है, इंस्पायर भी हो. हाँ. ना सही है. तो ऐसा दिखता है इनका कार्ड, दूर से दिखा देता हूँ. ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है भाई. यहाँ से जाके ना मेट्रो स्टेशन आ जाता है मेरे ख्याल से. मैंने देखा अभी यहाँ से आके मेट्रो स्टेशन है. मेट्रो स्टेशन से निकलते ही, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से निकलते ही ऐसी बस आते ही यहाँ पे आ जाता है इनका कार्ड. इनके जो हेडलाइन है वो है सर्विंग हेल्थ. यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? सेहत से भरपूर, बेस्ट इन टेस्ट, जीरो प्लास्टिक. तो कहाँ कहाँ पे अभी आपके ये खुले हैं कार्ड, और कहाँ कहाँ पर हैं? चार जगह पे है इसको. चार जगह पे, कौन कौन सी? एक तो जनकपुरी में है, एक घंटाहरी नगर घंटाघर में है, और एक यहाँ पे है, और एक मार्केट टू मार्केट लगती है. चार जगह पे. कितने बजे से लगाते हो? 4 बजे से लगाते हो आप यहाँ पे? नहीं, हमारे 3 बजे है. 3 बजे से रात के 10 बजे तक लगाते हैं. वैसे जैसे लड़कियों के कोई इशू आता है क्या, मतलब ऐसे सर्व करने में कोई इशू आता है? नहीं. जैसे सही है सर. हाँ. ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं सारे? सभी आते हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चों को भी पसंद है बहुत ज़्यादा. तो सही है यार, आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं. सही में बहुत सही बात है यार. वैसे ये एयर फ्रायर आप खुद करते हो या कोई है वर्कर जिसके भी? मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ पे सर्व करती हूँ. अच्छा सर्व करते हो. इससे पहले आप क्या करते थे वैसे? इससे
उससे पहले मैं तो अभी पढ़ाई करती हूँ, तब भी स्टडी करती हूँ। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? मैं तो 11th क्लास में हूँ अभी। अच्छा 11th में हो अभी? सही है सही। 18 प्लस तो हो ना? नहीं। तो ये इनकी जो ये है मैम, इन्होंने बीटेक कर रखी है या अभी परसुइंग है? थर्ड ईयर स्टूडेंट है। और जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि जीरो प्लास्टिक, तो भाई ऐसे पत्तों के इसमें ये दे रहे हैं, काफी सही है। वैसे वाइब भी आती है ऐसे ऐसे खाने में। रुको रुको रुको, इस साइड तो आ जाओ, लाइट देख लो। नहीं आ रही, आ रही आ रही है। तो भाई चलो खा लेते हैं भाई पहला गोल गप्पा इनका। कैसा लगा वैसा? मुझे देखो ऐसा दिखाई देता है इनका गोल गप्पा, कुछ देख सकते हो। मीठा खाना है तो सोल्ट ज़्यादा डाल देंगे, ये काफ़ी सही है। तो भाई मैंने अभी इनका गोलगप्पा ट्राई कर लिया है, काफ़ी सही लगा मुझे। सही है यार, हाइजीन का भी अच्छा खासा ख्याल रखा हुआ है। जैसे तो और मार्केट में देखते हैं भाई ऐसी ऐसी हाथों से बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है काफ़ी क्लीन कार्ट है इनका। वैसे ये काफ़ी टेस्ट में सिंपल सा टेस्ट है, मतलब नॉर्मल सिंपल विदाउट स्पाइसेस, बहुत कम स्पाइसेस हैं और मसाले भी बहुत कम हैं इनका। आलू भी जो है थोड़ा फीका टाइप है, तो जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए तो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड मसाले और ये सब खाते हैं उनको तो बहुत नॉर्मल लगेगा, बहुत फीका लगेगा। और इसके आगे भी कुछ रखने का प्लान है जैसे कुछ भी? दही पूरी आ रही है हमारी बहुत जल्दी। दही पूरी? हाँ। अच्छा दही पूरी, दही पूरी क्या होता है? वही जो गोलगप्पे में दही डाल के देते हैं। अच्छा दही पूरी मतलब? हाँ, गोलगप्पे दही वाले पूरी, ये हुआ दही। अच्छा अच्छा, दही वाले गोलगप्पे ना जैसे बोलते हैं। अच्छा तो ये मैम की पेमेंट कर देता हूँ भाई। लोग कहते हैं कि आप पेमेंट नहीं करते, ज़्यादातर जो है फ्री का खाते हैं। पेमेंट करते हुए हम वीडियोस में नहीं दिखाते, तो लोग सोचते हैं विदाउट पेमेंट खाते हैं चीज। तो अभी मैं जनता का रिव्यू ले लेता हूँ कि इन्होंने खाया और अगर खाया तो कैसा लगा। भाई आपने खाए यहाँ के गोलगप्पे बीटेक पानी पूरी? बहुत बढ़िया, हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं पानी को भी, और गोलगप्पे इनके इतने एयर फ्राइड होते हैं। अच्छा अच्छा, मजा आता है। टेस्ट कैसा लगा आपको? जबरदस्त जबरदस्त। अंकल आपने खाए हैं, कैसा लगा आपको बहुत टेस्ट? बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। क्या बोल रहे हो? आपका चैनल देखा है भाई मैंने, आपकी गरीब दी हट्टी वाली वीडियो देखी थी ना। अच्छा अच्छा, तो उससे पता है, उसमें जो गरीब जो अंकल थे ना रिक्शे वाले, उनको तुमने कुलचे वगैरह खिलाने के लिए वीडियो बनाई थी, हां तो देखा था। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने। हां हां देखी है। चलो भाई सही है, ऐसी देखते रहो बस। चलो मैम वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक उंगली से टच कर लो बस, एक उंगली से भी टच बाजू बस। बाय बाय बाय। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कैसी सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कैसी कैसी वीडियोस देखनी है, किन किन बारों में कैसे व्लॉग्स बनाओ या कुछ भी बनाओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फूड व्लॉग्स देखने हैं तो वो भी बता दें यार, सारे फूड व्लॉग्स कवर कर दूंगा सारे। बढ़िया, चलो जल्दी से चलते हैं घर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।